दोस्तों आज हम लोग संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा था तो सब लोगों ने गलत कर दिया था, लेकिन इस बार जो है कि ये गलती नहीं होनी है। पहली बात, दूसरी बात ये कि चार होते हैं संस्कृत में, चार तो अयोगवाह होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से? एक देखिए दोस्त, हम लोगों को एक चीज़ ये जेवा मूली उपदमानी, ये दो नाम जो है कि नया नया लग रहा होगा, लेकिन व्यंजन में इनको बताया गया है। ये वैदिक साहित्य में इनका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम लोग जो पढ़ते हैं, जो स्वाभाविक रूप से हम लोगों की संस्कृत में जो पढ़ाया जाता है, वो जिह्वा मूली वर्ण नहीं, उपदमानी नहीं, क्योंकि ये जो है कि इस सिंबल से दर्शाए जाते हैं, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो एक चीज समझ जाइएगा कि जब कहेगा कि जिह्वा मूली वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जान जाइएगा जब क और ख के बीच में यही सिंबल लगा होता है तो उसे कहते हैं जिह्वा मूली। लेकिन एक बात और है कि जब यही वर्ण, ये ऐसे सिंबल प और ये फ के बीच में, किसके किसके, प और फ के बीच में अगर ये आ जाते हैं ऐसे करके, तो दोस्तों आप लोग समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, उपधमानी होता है। कौन सा होता है? उपधमानी। जिह्वा मूली वर्ण पूछता है तो क और ख के बीच में होता है, लेकिन उपधमानी किस में होता है? प और फ के बीच में होता है। ये तो आप लोग कन्फर्म जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज और, अगर इसका उच्चारण स्थान पूछता है, किसका? जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान पूछता है, तो इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही होता है। क्या होता है? जिह्वा मूल। लेकिन दोस्तों अगर उपधमानी का उच्चारण स्थान पूछता है तो ओष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है इसका उच्चारण स्थान? ओष्ट। किसका? इसका। उपधमानी का उच्चारण स्थान ओष्ट हो जाता है, लेकिन जिह्वा मूल मूली का, ये देखिए जिह्वा मूली का, जिह्वा मूली ख ऐसा बोला जाता है, तो इसका जो है उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ये जो उपधमानी लिखा गया, ये उ से स्टार्ट होता है, इसमें प है, देखिए उपद ओ से बोल रहे हैं, ओष्ट से बोल रहे हैं, इसीलिए इसे उपधमानी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए उपधमानी में प दोनों ओष्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उपधमानी में रखा जाता है। तो हमको पता हो गया दोस्तों अयोगवाह कितने होते हैं संस्कृत में, चार होते हैं, चार चार ये चारों हैं। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं हिंदी और संस्कृत के जो उच्चारण स्थान है, क्योंकि ये मैराथन की क्लास है दोस्तों, जल्दी जल्दी चलना है, समय भी नहीं है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है, पहला होता है कंठ, कंठ होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, चाहे हिंदी के वर्ड और चाहे संस्कृत, तो दोस्तों खाली समझना, आप लोग एक अगर याद कर लिया तो आप लोगों के एक तो दो नंबर एकदम फिक्स हैं। पहली बात, एक संस्कृत के, एक हिंदी के उच्चारण स्थान के। लेकिन वो कैसे होते हैं देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग लिखते हैं, पढ़ते भी आए, हर बुक में है अकुह, विसर, विसर्जनिया नाम, ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, ये छाटना है, और ये छाटने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ कि पहली बात तो जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो अगर कहीं पे आएगा क च च ट त प, अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं वहाँ पे क वर्ग की बात हो रही है, च वर्ग की बात हो रही है। लेकिन सर दोस्तों यहाँ पे जो ये कु लिखा गया है, कु का मतलब होता है पूरा क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। चू का मतलब च वर्ग, ये तो बात आप लोगों को समझ में आ गई। कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जैसे इसका हिंदी और संस्कृत के लिए तोड़ करेंगे तो अ का छोटा भाई भी ले लेंगे और इसका बड़ा भाई, दो चीज मिल गया, अ और आ। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ह बचा है, उसके बाद विसर, अ आ हो गया, क वर्ग हमने छोड़ दिया है, तो क वर्ग यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क वर्ग मान लो लिख देते हैं, तो क्या क्या आया? अ आ क वर्ग है। एक चीज समझने वाली बात यह है दोस्तों, अगर वो पूछता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान, किसका? क वर्ग का उच्चारण स्थान, अगर इसका उच्चारण स्थान पूछता है तो आपका कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अंगा का उच्चारण स्थान, अंगा, ये क वर्ग में भी अंगा आता है, अगर अकेले उन्होंने अंगा का पूछा तो ये नासिका हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर उन्होंने अंगा का उच्चारण स्थान पूछा, केवल केवल अंगा का, तो वो नासिका हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्ग का ये प्रथम प्रथम न होकर के पंचम वर्ण होता है, और पंचम वर्ण का उच्चारण जो हो नासिका के द्वारा होता है। पहली बात, दूसरी बात, अगर क वर्ग का उच्चारण स्थान तो
कंठ हो जाएगा और अंगना का पूछेगा तो नासिका हो जाएगा। तो पहले हम लोग दोस्तों ने जाना कंठ का क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें कौन कौन से अ आ क, उसके बाद क वर्ग पूरा, ह, फिर उसके बाद विसर्ग, चाहे हिंदी हो दोस्तों, चाहे संस्कृत हो और चाहे हिंदी हो, दोनों में यहीं से बोले जाते हैं। तो पहला हम लोग समझ लिए, अब हम लोग चलते हैं कि दूसरा। तेजी से चलना है दोस्तों, क्योंकि ये तो सूत्र ऐसे ही लिखा रहेगा। दूसरे का होता है तान, इसको कहते हैं इचु यशा, इचु यशा नाम तालु। अब आप लोग खुद स्वयं से देख सकते हैं, ई का मतलब ई का छोटा भाई, फिर बड़ा भाई, फिर उसके बाद चू का मतलब च वर्ग, फिर इधर क्या बचा है, यह बचा है, फिर उसके बाद इधर श बचा है। देख लीजिए जो नाम नाम विसर्जनीय नाम, ये क्या होता है, कह रहे हैं कि इचु यसा, यहाँ इतने लोगों का नाम किसके द्वारा बोला जाएगा, तालु के द्वारा बोला जाएगा, चाहे हिंदी का हो और चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिंदी हो और चाहे ये संस्कृत, दोनों में बोला जाए। दोनों कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से कितने वर्ड बोले जाएंगे, ई बड़ी ई च वर्ग य और श। तीसरा दोस्तों आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है री टू र सा राम, क्योंकि देखिए दोस्तों ये उष्ण व्यंजन है, उसके बाद ये राम हो जाता है न न होकर के, इसकी कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा री का मतलब छोटी री भी और इसका मतलब बड़ी री भी, टू का मतलब ट वर्ग हो जाएगा, फिर क्या बचता है दोस्तों, र बचता है, फिर इधर का श बचता है, हो गया। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी और चाहे संस्कृत, दोनों में री री ट वर्ग र और श, ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों दंत। दंत का होता है ऋतु ल सा नाम दंत। लि का मतलब भाई ली ले लो, तू का मतलब त वर्ग ले लो, ल है फिर इजी एस है, बस लि हो गया, त हो गया, वर्ग हो गया, ये सब बोले कहाँ जा सर, पार्श्विक और ये सब नहीं, क्योंकि पार्श्विक हिंदी में तो ल जो है पार्श्विक होता है, लेकिन वहां ये नहीं, ये बोला कहां से जाता है, उच्चारण स्थान की बात हो रही है दोस्तों। तो उच्चारण स्थान का मतलब सूत्र होता है कि ऋतु लसा नाम, ऋतु ल शा, इतने लोगों का नाम कहां से बोला जाएगा, दंत से बोला जाता है दोस्तों। यहां से ली मिल गया, तू का मतलब पूरा त वर्ग मिल गया, इधर का ल है और उसके बाद इधर श है, ये कहां से बोले जाएंगे, दंत से बोले जाएंगे। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, तालु श बड़ा श, मूर्धा श मूर्धनी श या खटकोण वाला श, दंत श छोटा श, तो तीन स के बारे में हम लोग जान गए। अब आगे इसके बाद चलते हैं हम लोग, ओष्ठ। अब यहां पे समझना होगा दोस्तों कि इसका होता है उपुधमानिया नामोष्ठ। कितने लोग हैं, उ का मतलब दोस्तों ध्यान दीजिएगा उ बड़ा उ, तू का मतलब प वर्ग हो गया, और एक चीज उपधमानी, अभी इसके पहले हमने चर्चा की थी उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ तक। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उ से स्टार्टिंग होता है और प के बीच में रहता है, और जिह्वा मूली वर्ण किनके बीच में होता है, क और ख के बीच में होता है, और उपधमानी प और फ के बीच में होता है, तो प वर्ग हो गया, इधर दोस्तों एक चीज बचता है उपधमानी। इतने लोग होते हैं कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या आता है, कंठ ताल। हिंदी और संस्कृत दोनों की बात हो रही है, कंठ ताल यहां पे सूत्र होता है ए दे तो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग जब हिंदी में किसी भी वर्ण पर ए की मात्रा लगाते हैं तो वहां पे ऐसे लिखते हैं, अगर उसी पे ए की मात्रा लगानी हो तो ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, एक ए तो मिल रहा है लेकिन ये दय तो ये जोड़ा गया है सूत्र के लिए कि हमको कैसे ऐसे याद कर ले कि जिससे सुविधाजनक हो, तो सुविधाजनक बनाने के लिए द पे ए की मात्रा है, तो यहाँ पे दो वर्ण आ जाते हैं ए और ए, बस दो ही कंठ ताल के द्वारा बोलते हैं ए दय तो कंठ ताल, कंठ ताल, ये चीज समझ में आया। अब देखते हैं कंठ ताल हो गया, अब देखते हैं कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ दोस्तों, जहां पे ए दैत्य था यहां पे
ओ दावतो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ दावतो। अब आप लोग आसानी से जान सकते हैं यहाँ पे एक वर्ण मिल रहा है ओ, अभी दर्द किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है, बस ओ औ हो, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, कंठोष्ठ से क्या बोले जाएंगे ओ और औ बोले जाएंगे। अच्छा एक और मसला है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में इसको कहते हैं वकारस्य, वकारस्य, वकारस्य का मतलब केवल दोस्त, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम मतलब केवल वह को ही दंतोष्ठ से बोला जाता है, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, इनको कहाँ से बोला जाता है से। एक चीज और है दोस्त, हमने कई बार देखा है कि जो है कि जब एग्जाम आता है तो उसमें हम लोग जैसे वकारस्य मिल जाता है तो हम लोग जानते हैं कि दंतोष्ठ से बोला जाता है। अगर दोस्तों उन्होंने कहा कि अकारस्य का उच्चारण स्थान क्या है, अकारस्य का उच्चारण स्थान अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि केवल केवल यहाँ पे वकारस्य का मतलब व का उच्चारण स्थान पूछा, यहाँ अकारस्य का मतलब होता है दोस्त केवल आपसे एक अ का उच्चारण स्थान पूछा था। हम लोग जानते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अ कहाँ से बोला जाता है, अ कंठ से बोला जाता है। अगर उन्होंने कहा कि उकारस्य का उच्चारण स्थान दोस्तों उकारस्य का, तो उ कहां से बोला जाता है उपदमानीय नाम ओष्ठौ, तो उ कहां से बोला जाता है ओष्ठ से। तो अगर उकारस्य अकारस्य ईकारस्य ऋकारस्य कोई भी कारस्य लगा करके जैसे वो कारस्य बना हुआ है, अगर ऐसे करके कोई भी वर्ण का अकेला पूछ रहा है तो जिस स्थान से वो बोला जाता है वहीं से वो बोला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज सिंधी और संस्कृत के उच्चारण स्थान, जाहिर सी बात है आप लोगों को अगर इतना याद कर लिया तो दो नंबर आप लोगों के लिए एकदम कन्फर्म रहेगा।